नमस्कार मित्रों, जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले शहर में हुआ था। वे तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली से थे। जेके के फादर जिद्दू नारायणया ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल एम्प्लॉय थे। कृष्णमूर्ति को अपनी माँ संजीवम्मा से बहुत लगाव था और जब कृष्णमूर्ति 10 साल के थे तब उनकी माँ की डेथ हो गई थी। उनके पेरेंट्स के टोटल 11 बच्चे थे जिनमें से 6 ही चाइल्डहुड में सर्वाइव कर पाए थे। 1903 में उनकी फैमिली कुडुपा में सेटल हो गई। अपने बचपन में उन्होंने नेचर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया और ऐसे ही वे पूरी लाइफ नेचर से जुड़े रहे। कृष्णमूर्ति के फादर 1907 के एंड में रिटायर हो गए। उन्होंने एडीआर में थियोसोफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर में रोजगार मांगा। नारायणया 1882 से थियोसोफिस्ट थे। अंततः उन्हें सोसाइटी द्वारा एक क्लर्क के रूप में रखा गया। जनवरी 1909 में अपनी फैमिली के साथ वहाँ चले गए और उनके बच्चों को एक छोटे से कॉटेज में रहने के लिए असाइन किया गया जो कि सोसाइटी के कंपाउंड के बाहर था। कृष्णमूर्ति जन्म से ही वेजिटेरियन थे और उनकी फैमिली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस थी। वे एथिकल और स्पिरिचुअल रीजंस से नॉन वेज के विरोधी थे। अप्रैल 1909 में कृष्णमूर्ति पहली बार चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर से मिले। लीडबीटर ने एडीआर रिवर पर सोसाइटी के बीच पर कृष्णमूर्ति को पहली बार देखा था। एर्नेस्ट वुड उस समय लीडबीटर के सहायक थे जिन्होंने कृष्णमूर्ति के होमवर्क में मदद की थी। वे कृष्णमूर्ति को मंदबुद्धि समझते थे लेकिन लीडबीटर को विश्वास था कि ये लड़का एक स्पिरिचुअल टीचर और एक महान ओरेटर यानी वक्ता बनेगा। लीडबीटर द्वारा डिस्कवरी के बाद कृष्णमूर्ति को एडीआर में थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा नर्चर किया गया। लीडबीटर और उनके कुछ विश्वासी सहयोगी ने कृष्णमूर्ति को एजुकेट करने, उनको प्रोटेक्ट करने और आमतौर पर उनको एक्सपेक्टेड वर्ल्ड टीचर के व्हीकल के रूप में तैयार करने का काम शुरू कर दिया। कृष्णमूर्ति जिन्हें बाद में अक्सर कृष्णा जी कहा जाता था और उनके छोटे भाई नित्यानंद को थियोसोफिकल कंपाउंड में निजी तौर पर पढ़ाया जाता था और बाद में यूरोपियन हाई सोसाइटी के एक वर्ग के बीच एक समृद्ध जीवन से अवगत कराया गया और उन्होंने बाहर से ही अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। 14 की एज में कृष्णमूर्ति 6 मंथ में इंग्लिश बोलने में और लिखने में एबल थे। इसी टाइम के दौरान कृष्णमूर्ति ने एनी बेसेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लिया था और वे उन्हें अपने सरोगेट मदर भी मानते थे। 1911 में थियोसोफिकल सोसाइटी ने वर्ल्ड टीचर की एक्सपेक्टेड अपीयरेंस के लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की। कृष्णमूर्ति को इसके हेड के रूप में नामित किया गया था। मेरी ल्यूटियंस एक बायोग्राफर, उनका कहना है कि एक टाइम था जब कृष्णमूर्ति का मानना था कि सही स्पिरिचुअल और सेक्युलर गाइडेंस और एजुकेशन के बाद उन्हें वर्ल्ड टीचर बनना है। एक और बायोग्राफर ने लीडबीटर और उनके एसोसिएट्स द्वारा उन पर इम्पोज किए गए डेली प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया है जिसमें एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, कई तरह के स्कूल सब्जेक्ट में ट्यूशन, थियोसोफिकल और रिलीजियस लेसन, योगा और मेडिटेशन के साथ ही प्रॉपर हाइजीन रखने के लिए इंस्ट्रक्शन इंक्लूड है। उन्होंने स्पोर्ट्स में एक नेचुरल एप्टीट्यूड दिखाया। कृष्णमूर्ति को स्कूलिंग में हमेशा प्रॉब्लम्स आती थी और एकेडेमिकली झुकाव नहीं था। एडमिशन के लिए कई अटेम्प्ट्स देने के बाद अंततः उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन छोड़ दी। टाइम के साथ साथ उन्होंने कई लैंग्वेजेस भी सीखी। अप्रैल 1911 में कृष्णमूर्ति और नित्या को इंग्लैंड ले जाया गया। इस ट्रिप के दौरान कृष्णमूर्ति ने लंदन में ओएसी के मेंबर्स के लिए उन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक स्पीच दी। उनकी फर्स्ट राइटिंग्स थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा बुकलेट्स में पब्लिश हुई थी। 1911 और 1914 में वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत के बीच दोनों ने कई यूरोपियन कंट्रीज को विजिट किया। वॉर के बाद कृष्णमूर्ति ने ओएसी के हेड के रूप में अपनी ड्यूटी से रिलेटेड दुनिया भर में डिस्कशंस, मीटिंग्स और लेक्चर की एक सीरीज शुरू की। कृष्णमूर्ति ने लिखना भी जारी रखा। उन्हें शुरू में एक होल्टिंग, हेजिटेंट और रिपीटेटिव स्पीकर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने मीटिंग्स की कमांड संभाली। 1921 में कृष्णमूर्ति को एक 17 ईयर ओल्ड अमेरिकन एलेन क्नोस से लव हो गया था जिसकी फैमिली थियोसोफिस्ट से जुड़ी हुई थी लेकिन 1920s के मिड तक दोनों अलग हो गए थे। 1922 में कृष्णमूर्ति और नित्या ने सिडनी से कैलिफोर्निया ट्रेवल किया। कैलिफोर्निया में वे ओजाई वेले में एक कॉटेज में रहे। अगस्त और सितंबर 1922 में ओजाई में कृष्णमूर्ति एक इंटेंस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से गुजरे। इसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक फिजिकल रिकंडीशनिंग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इनिशियल इवेंट्स को दो अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले 3 दिन का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और 2 हफ्ते बाद एक लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन जिसे कृष्णमूर्ति और उनके आसपास के लोगों ने प्रोसेस के रूप में बताया। विटनेस के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत 17 अगस्त 1922 से हुई जब कृष्णमूर्ति ने अपनी गर्दन की नस में तेज दर्द की शिकायत की। अगले 2 दिनों में सिम्टम्स और बढ़ गए। बढ़ते दर्द और सेंसिटिविटी के साथ भूख न लगना और कभी कभी बेसुध हो जाना, ऐसा लग रहा था कि वे अनकॉन्शियसनेस स्टेट में है लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि आसपास क्या हो रहा था उसके बारे में वे अवेयर थे। इस स्टेट में उन्हें मिस्टिकल यूनियन का अनुभव हुआ लेकिन इस टाइम में नित्या की हेल्थ लगातार बिगड़ रही थी। 13 नवंबर 1925 को 27 की एज में इन्फ्लुएंजा और टीबी के कारण उनकी ओजाई में डेथ हो गई। आई विटनेस के अकॉर्डिंग इस खबर ने कृष्णमूर्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अगले कुछ सालों में कृष्णमूर्ति का एक नया विजन और कॉन्शियसनेस डेवलप होती रही। उनकी वार्ताओं, चर्चाओं और पत्राचार में नए कॉन्सेप्ट दिखाई देने लगे। उनकी ये नई दिशा 1929 में बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई जब उन्होंने लीडबीटर और बेसेंट द्वारा
ऑर्डर ऑफ द स्टार के साथ जारी रखने के सारे अटेम्प्ट्स को खारिज कर दिया। डिसोल्यूशन के बाद प्रमुख थियोसोफिस्ट कृष्णमूर्ति के खिलाफ हो गए, जिसमें लीड बिटर भी शामिल थे। कृष्णमूर्ति ने सभी ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ, नोशन ऑफ गुरुस और होल टीचर फॉलोअर रिलेशनशिप की निंदा की। उनके स्पष्ट रूप से इनकार करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे वर्ल्ड टीचर थे। कृष्णमूर्ति ने कई ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया। उन्होंने ऑर्डर को डोनेट की गई मनी और प्रॉपर्टीज को वापस कर दिया, जिसमें नीदरलैंड्स में एक महल और 5000 एकड़ की भूमि थी। 1930 से 1944 तक कृष्णमूर्ति स्टार पब्लिशिंग ट्रस्ट के ऑस्पिस में स्पीकिंग टूर्स और पब्लिकेशंस के इशू में लगे रहे, जिसकी स्थापना उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार के एक क्लोज फ्रेंड देसिकाचार्य राजगोपाल के साथ की थी। कृष्णमूर्ति की रोजालिन के साथ दोस्ती लव अफेयर्स बन गए। राधा राजगोपाल स्लोस के अकॉर्डिंग कृष्णमूर्ति और रोजालिन के बीच अफेयर 1932 में शुरू हुआ और यह लगभग 25 ईयर्स तक चला। राधा स्लोस राजगोपाल की डॉटर ने अपनी बुक लाइफ्स इन द शेडो विद जय कृष्णमूर्ति में अफेयर्स के बारे में लिखा है। 1930s के दौरान कृष्णमूर्ति ने यूरोप, लेटिन अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में बात की। 1938 में उनकी मुलाकात एल्डस होक्सले से हुई। दोनों के बीच क्लोज फ्रेंडशिप देखी गई, जो कई सालों तक चली। वर्ल्ड वॉर सेकंड का कृष्णमूर्ति के रूप को अक्सर पेसिफिज्म यानी शांतिवाद के रूप में माना जाता है। कृष्णमूर्ति ने मई 1944 में ओजाई में जो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज ऑफ टॉक थी, उसको तोड़ दिया। ये टॉक और बाद के मटेरियल स्टार पब्लिशिंग ट्रस्ट के सक्सेसर कृष्णमूर्ति राइटिंग्स इनकॉर्पोरेट द्वारा पब्लिश की गई थी। वे इंडिया के एसोसिएट्स के साथ कॉन्टेक्ट में बने रहे और 1947 की ऑटम में वह स्पीकिंग टूर पर निकले। इस ट्रिप पर उनकी मुलाकात पुपुल और नंदिनी से हुई, जो लाइफ लॉन्ग सहयोगी और विश्वास पात्र बनी। 1948 में पुणे में कृष्णमूर्ति येनगर से मिले, जिन्होंने 3 महीने तक हर सुबह उन्हें योगा सिखाया और फिर उसके बाद 20 ईयर्स तक। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब कृष्णमूर्ति इंडिया में थे तो कई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज उनसे मिलने आए, जिनमें से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी थे। कृष्णमूर्ति ने पब्लिक लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस और दुनिया भर के संबंधित व्यक्तियों के साथ बोलना जारी रखा। 1960s की शुरुआत में उन्होंने फिजिसिस्ट डेविड बोम से परिचय कराया। दोनों जल्द ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और एक कॉमन इंक्वायरी शुरू की, जिसमें पर्सनल डायलॉग्स और कभी कभी अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशंस में जो लगभग 2 decades तक कंटिन्यू रही। कृष्णमूर्ति फिजिसिस्ट फ्रिट्ज़ोफ काप्रा और इसी जॉर्ज सुदर्शन, बायोलॉजिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रेक, साइकेट्रिस्ट डेविड शेनबर्ग, साथ ही कई तरह के थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले साइकोथेरेपिस्ट के साथ मिले और चर्चा की। 1970s में कृष्णमूर्ति ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ कई मुलाकात की, जिनके साथ उनकी कुछ केसेस में सीरियस बातचीत हुई। कृष्णमूर्ति की 90 की एज में 17 फरवरी 1986 को पैनक्रियाटिक कैंसर से डेथ हो गई। पहला साइन उनकी डेथ से लगभग 9 महीने पहले आया, जब उन्हें बहुत थकान महसूस हुई। अक्टूबर 1985 में वे इंग्लैंड से इंडिया आए और उसके बाद उन्हें थकावट, बुखार और फिर वजन कम हो गया। कृष्णमूर्ति ने मद्रास में अपनी लास्ट टॉक के बाद ओजाई वापस जाने का डिसाइड किया। जब वे ओजाई पहुंचे तो उनका मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि वे पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे। कृष्णमूर्ति की डेथ कैलिफोर्निया में मिडनाइट के 10 मिनट्स बाद हुई। उनकी इच्छा के अनुसार कोई मेमोरियल सर्विस कंडक्ट नहीं किया गया। उनकी एशेस को 3 parts में डिवाइड किया गया, ओजाई, इंडिया और इंग्लैंड के लिए। इंडिया में वे वाराणसी में गंगा नदी, गंगोत्री और रेडियार बीच में इमर्स किया गया। कृष्णमूर्ति ने इंडिया में 5 schools, इंग्लैंड में 1, ब्रोकवुड पार्क स्कूल और 1 कैलिफोर्निया में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना की। आज भी उनके टॉक्स और डिस्कशंस यूट्यूब पर अवेलेबल है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उनके वीडियोस देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।